वहीं कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि निश्चित तौर पर हालातों को काबू में लाने जिला प्रशासन लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा सकती है, सिर्फ आदेश का इंतजार है। वहीं अनाज, सब्जी, दूध, पेट्रोल और मेडिकल की छूट मिल सकती है, लेकिन कुछ व्यापारिक संस्थाएं लॉकडाउन हटाने की मांग कर रही हैं, जिससे स्थिति और भी बिगड़ सकती है। अभी कोरोना काल से पूरा देश जूझ रहा है, संयम और शांति के साथ यह जंग जीतेंगे। पिछले बार भी कोरोना को हरा कर हम जीते थे, इस बार भी जीतेंगे। शासन का पूरा सहयोग मिल रहा है, जनपद पंचायतों के माध्यम से दिशा निर्देश मिल रहा है, उसका पालन कर रहे हैं। पूरा विश्व में कोरोना वायरस के संक्रमण भयानक रूप में फैले हैं, जिन्हें हम छत्तीसगढ़ भी हमारे प्रदेश है, जो में दूरियाँ नहीं है। यहाँ भी बहुत सारा मरीज के महामारी के रूप में मौत भी हो गए हैं, कई परिवार के परिवार छीन गए हैं। ये सब से बचे बा हम सब ला क्या है। पहले तो लोग समझते नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं घटना अपने परिवार में हो रहा है तो कुछ कुछ लोग समझ रहे हैं, उसको समझा रहे हैं लोग। और कई जगह ये भी हुआ है कि अफवाह की टीकाकरण कराने से आदमी मर जाता है। कुछ लोग जो अपना जो 60 साल वाले से ऊपर वाले नहीं हुआ है, कुछ कुछ बचा है। और रही बात तो क्या बोलते हैं 60 साल से अपन जो 45 साल जो है उसका भी बचा है, तो उसको बार बार प्रेरित किया जा रहा है कि मतलब जल्दी से जल्दी लगाओ, ये अपने अच्छा चीज़ है, सुरक्षित इससे टीका लगेगा तो हम लोग को ये बीमारी से दूर होंगे। ये सब समझा रहे हैं। और लोगों को, मैं सरपंच संघ का अध्यक्ष हूँ तो उसके नाते भी मैं सभी सरपंच को ग्रुप में और कुछ सरपंच को अपने डायरेक्ट फोन करके उसको समझा रहा हूँ कि जितना हो सके आप लोग घर घर जाके उसको समझा।